मूवी की बात कर रहे हैं हम, शोले मूवी के। शोले मूवी हम कुछ बड़े एक्टरों को हमारे सामने लाया जा रहा है, आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा, सलमान खान, शाहरुख खान। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को थंबनेल में सीन नहीं दिखी, आमिर खान की। लेकिन आमिर खान की सीन नहीं दिखी, उसकी वजह बस यही है कि शायद आमिर खान इतने बड़े रोल में नहीं आ रहे हैं। हालांकि आमिर खान को शायद इसमें गब्बर को रोल दिया जा सकता है, या फिर कोई दूसरा रोल दिया जा सकता है। शोले मूवी के जैसे आप लोग जानते हैं डायरेक्टर जो थे वो काफी अच्छे थे, लेकिन लेखक जो थे वो सलमान खान के डैडी थे। तो वहां पर इस मूवी को कुछ बड़े लेवल में लाने की कोशिश, माना कि इस मूवी को 3 साल पहले हमारे सामने आ जाती, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से इस मूवी को नहीं लाया गया। यानी कि लाया ही इसलिए नहीं गया, जहां पर यानी कपिल शर्मा में एक डायरेक्टर ने कहा था कि इस मूवी को हम बनाएंगे और दोबारा लाएंगे भी, लेकिन वहां पर इस चीज को रिवील्स कर दिया गया था कि शायद इस मूवी में बनाने के लिए 400 से 500 करोड़ का अमाउंट लग सकता है या फिर उससे भी ज्यादा। तो शायद वहां से यानी थोड़ा सीक्वेंस घबराया था, इसलिए उस मूवी को वहीं पर होल्ड करके छोड़ दिया गया था। लेकिन नई रिपोर्ट के हिसाब से माने तो ये चीज उम्मीद सामने आई है कि इस मूवी को फिर से किसी ना किसी डायरेक्टर ने लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गूगल सर्च में अभी इस मूवी को कंफर्म नहीं किया गया है कि इस मूवी को कौन सा डायरेक्टर करने वाला है, लेकिन करने वाला है ये चीज कंफर्म है। और इस मूवी लेकिन अगर आती है, जैसे कि हमारे सामने पहली मूवी जो थी धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी ने जो जान डाला था इस मूवी में, वो बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का भी था। इसलिए मूवी की हम सराहना भी करते हैं और मूवी को दोबारा आने का हम इंतजार भी करते हैं। बॉक्स ऑफिस में अगर ऐसी मूवी उतरती है और लगती है तो हम नहीं, हर एक ऑडियंस ऐसी मूवी से एक्साइटेड होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है, मूवी को अच्छे लेवल पर बना पाना, यानी मूवी को अच्छा बना पाना, ये फंडा बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मूवी को बना पाना, इसलिए इसको बड़ा अमाउंट देना बड़े जरूरी है, और एक अच्छे डायरेक्टर के हाथ में पड़ना मूवी को, यह भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहां पर डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो शायद बोनी कपूर इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर बोनी कपूर डायरेक्ट करते हैं, अच्छी मूवियां दिया है बोनी कपूर ने, इसलिए हम थोड़ा समझ सकते हैं मूवी अच्छी कमाई कर भी सकती है। लेकिन फिलहाल देखेंगे 500 करोड़ में आसपास से जाने वाली मूवी क्या हमारे सामने एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएगी या फिर नहीं आएगी, इस चीज को हम मूवी को आने के बाद करेंगे। लेकिन अभी कंफर्म डाटा नहीं, मूवी की शूटिंग कब से चालू होगी कब से नहीं चालू होगी, लेकिन जैसे होगी कुछ होगा तो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। फिर आज मिलते हैं अगले वीडियो में।